The man who trained India's top boxer for two decades and played a key role in taking the sports to a new height in the country has gone back to Cuba. Yes, we are talking about coach B.I. Fernandez, who was facing 2-year suspension from IBA for supporting Sarita in Incheon. Reacting to his departure, Indian boxer Akhil feels game will continue after his departure also. Coach B.I. Fernandez, who has been honored with the Dronacharya Award, left for Havana with no return ticket in his pocket. Coach Fernandez's contract expired on February 7, and there is no sign of its being renewed by Sports Authority of India. Under the guidance of him, many Indian pugilists not only trained but won medals also. And one of them is Akhil Kumar, who is emotionally hurt with his departure. ऐसा होता है कि जब हम किसी कोच के साथ काम करते हैं कंटिन्यू इतने साल हो जाते हैं तो एक जुड़ाव सा हो जाता है, एक लगाव हो जाता है, वो समझने लगता है, ये बेनिफिट है। लेकिन भाई मेरे कोच भी चेंज होते रहते हैं, बॉक्सर भी चेंज होते रहते हैं, और मुझे जहाँ तक याद है मैं उनके साथ जब एथेंस ओलंपिक क्वालिफाई कर चुका था, मैं था उसमें, विजेंदर जितेंद्र जो बड़े वेट उसके थे 75 kg में उस टाइम, और दिवाकर प्रसाद उसके बाद हमारे साथ अटैच हुए थे। अगर हम ये कहें कि बी आई फर्नांडिस की वजह से ही हम ये हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो गलत है भाई। इंडियन कोच काफ़ी मेहनत करते हैं, पूरी एक टीम काम करती है, ठीक है कि इमोशनल अटैचमेंट होती है भाई इतने साल से, भाई वो भी प्रोफेशनल है, रोजी रोटी के लिए यहाँ आया हुआ था, रिटायरमेंट तो सबको आती है एक बार, अगर वो आज अपना कार्यकाल पूरा करके जा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। 55 ईयर के हो गए तो लास्ट टाइम में तो फैमिली के साथ भी रहना चाहिए। अपनी सीधी बात, अब मैं कहूँ कि नहीं बड़ा हो गया फलाना हो गया ये, तो बकवासबाजी ड्रामेबाजी सी लगती है कि उनको होना चाहिए नहीं, अगर वो हैं वेरी गुड, नहीं होते हैं तो बॉक्सिंग में फिर भी चलेगी। इंडियन बॉक्सर अखिल कुमार, हु रिटर्न टू द इंटरनेशनल फोल्ड ड्यूरिंग द एशियन गेम्स, हैज ऑलरेडी सेट हिज आईज एंड दैट टू ऑफ क्वालिफाइंग फॉर रियो ओलंपिक्स। देखिए मेरे क्या हम सभी के लिए यही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई करें रियो ओलंपिक के लिए, और मैं भी उसकी कोशिश करूँगा जैसे कि कोशिश मैं हर बार करता आ रहा हूँ। पता नहीं वो पदक के पास जाता जाता, जैसे कि एशियन गेम में आप भी मौजूद थे और लास्ट के 7 सेकंड में मेरे हाथ से बाउट चली गई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी कोशिश करूँगा।